फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। हम आपको आए दिन बॉलीवुड से जुड़ी खबरों से रूबरू करवाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एकदम हटके स्टोरी लेकर आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे हटके कैसे, तो भाई हमारी आज की स्टोरी है उन हॉलीवुड स्टार्स के बारे में जिन्होंने की थी शॉपलिफ्टिंग। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे एक स्टार होने के बावजूद आखिर क्यों कोई शॉप पर जाकर चोरी करेगा, तो उसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। नंबर वन, जेम्स फ्रैंको, द डिजास्टर आर्टिस्ट, स्प्रिंग ब्रेकर्स, स्पाइडरमैन, व्हाई हिम, द 127 आवर्स जैसी फिल्मों में काम करने वाले जेम्स फ्रैंको इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं। लोगों के दिल चोरी कर लेने वाले जेम्स ने भी एक बार चोरी की थी। जी हाँ, एक बार उन्हें शॉपलिफ्टिंग की वजह से अरेस्ट किया गया था। जब वो हाई स्कूल में थे तो उन्होंने एक बार एक परफ्यूम चुराया था, लेकिन स्टार बनने के बाद उन्हें 2008 में गुची परफ्यूम का ही स्पोक्स पर्सन बना दिया गया। नंबर टू, विनोना राइडर, डेस्टिनेशन वेडिंग, गर्ल इंटरप्टेड, ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला जैसी फिल्मों में काम करने वाली विनोना राइडर ने भी 2001 में डिजाइनर कपड़े चुराए थे जिनकी कीमत $5,000 थी। उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था। नंबर थ्री, ब्रिटनी स्पीयर्स, अपनी सिंगिंग से लोगों को दीवाना कर देने वाली ब्रिटनी भी इस लिस्ट में शुमार है। उन्होंने एक बार एक विग और लाइटर चोरी किया था। नंबर फोर, मेगन फॉक्स, ट्रांसफॉर्मर्स, हॉलिडे इन द सन, क्राइम्स ऑफ फैशन जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों को जीतने वाली मेगन फॉक्स ने भी कुछ मेकअप का सामान वॉलमार्ट से चोरी किया था, लेकिन उस वक्त वो काफी छोटी थी। इस बात की जानकारी खुद मेगन फॉक्स ने ही दी थी। नंबर फाइव, लिंडसे लोहान, मीन गर्ल्स, फ्रीकी फ्राइडे, द पेरेंट ट्रैप, जस्ट माय लक जैसी फिल्मों में काम करने वाली लिंडसे लोहन भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने 2011 में एक नेकलेस चोरी किया था, वो भी $2,500 का। उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। आपको बता दें, इन स्टार्स के अलावा फिल्म क्रिटिक रेक्स रीड, सिंगर केशा, एक्ट्रेस अमांडा बाइनस भी इस लिस्ट में शामिल है। वेल, आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।